पेंडोरा सलाम दोस्तों, मैं जैक लुल्ली उर्फ तोरुक माकतो। आप हमसे 13 साल पहले तो मिल ही चुके हैं, तब आप बच्चे होंगे। हमने भी घर बसा लिया है, धरती पर कोई लड़की भाव ही नहीं दे रही थी, इसीलिए दूसरे ग्रह पर जाकर पटा लिए हैं, वो भी सीधे विधायक की बेटी। थोड़ा पापड़ बेलना पड़ा है, लेकिन पट गई है। उसी से शादी भी कर लिए हैं। लोग घर जमाई बनते हैं, हम ग्रह जमाई बन गए हैं, या फिर पेंडोरा जमाई, अब जो भी कह लीजिए। समय बीतने के साथ साथ आपके और मेरे भी बच्चे हो चुके हैं। मेरे 2 लड़के हैं और 1 लड़की है। एक और लड़की है कीरी, जिसे हमने अडॉप्ट किया है। दरअसल वो डॉक्टर ग्रेस की बेटी है। और एक और लड़का है स्पाइडर, जो कि कोलोनल माइल्स की नाजायज औलाद है। और मेरी मलिया, आई मीन मेरी वाइफ नेतीरी को तो आप जानते ही होंगे। तो यही मेरा खुशहाल परिवार है। लेकिन इस खुशहाल परिवार को ग्रहण लगते देर नहीं लगती। जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि मैं किस मानसिक तनाव से गुजर रहा हूँ, जो हर घर की कहानी है। एक बेटा मेरा दुलारा है, तो एक को मैं भाव ही नहीं देता। और जिसे मैं भाव ही नहीं देता, वो समुद्र किनारे मिटिकायना गांव की रहने वाली श्रेया नाम की लड़की के चक्कर में पड़ा हुआ है। उसको पता ही नहीं है कि पृथ्वी पर उसके बाप का भी श्रेया नाम की लड़की ही काट कर गई है। उसका भी काटेगी। श्रेया चाहे किसी भी प्लेनेट की हो, वो तो काटेगी, वो तो उसका काम है। एक वो बकचोद बेटी है किरी, जिसके पीछे पता नहीं कौन सा कीरी काटा रहता है, जब देखो तब खुराफात करती रहती है। खैर अब क्या ही समझाएं, हम तो साला खुद ही बहुत डिस्प्रेशन में हैं। हमारे ऊपर जितनी भी मुसीबत आई है, वो सब हमारे बच्चों की वजह से। अभी तक इसी भ्रम में जी रहे थे कि कोलोनल को हमने मार दिया है, लेकिन भोसड़ी का हमसे भी 2 कदम आगे निकला। अपनी पूरी मेमोरी को, अपनी बहनचोद क्या बोलते हैं इसको, अपने अवचेतक मन को स्टोर करके रखा हुआ है, ताकि वो भी हमारे जैसा नावी बन सके। मानना पड़ेगा साले को, साला क्लोन बनाकर मरा है। पता नहीं कहाँ से मुंह उठाकर आ गया है और गांड धोके मेरे पीछे पड़ा हुआ है बदला लेने के लिए। साले ने गुरिल्ला अटैक की प्लानिंग की है, और इसी भोसड़ी वाले के चक्कर में मुझे पूरे परिवार सहित ओमिटिकाया गांव को छोड़कर भागना पड़ा। तो देखते हैं इस बार ये मुझे हरा पाएगा या नहीं। हम तो तैयारी बैठे हैं इसकी गांड फाड़ने के लिए। पहले पार्ट में हमने आपको जंगल की सैर करवाई थी, और इस पार्ट में आपको समुद्र की सैर करवा रहे हैं। हो सकता है तीसरे पार्ट में आपको अंतरिक्ष की सैर करवाई जाए, और चौथे पार्ट में पाताल लोक की। भूल जाइए कि इसकी कहानी क्या है, ये सिर्फ आपको पेंडोरा घुमाने के लिए बनाई गई है। 13 साल का समय जिन चीज़ों के लिए लिया गया है, वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा भी। इस फिल्म में कुछ भी असली नहीं है, बस आप ये देखिए कि इस इंसान के सोचने की कोई लिमिट ही नहीं है। लीजेंड है ये बंदा। फिल्म की सबसे बड़ी कमी है इसकी लेंथ। 3 घंटे 12 मिनट का समय लंबा तो है, लेकिन यार 13 साल का इंतजार किए हैं आप लोग, तो इतना तो अफोर्ड कर ही सकते हैं। इस बात की पूरी गारंटी है कि बोर तो नहीं होंगे। मेरी बेटी कीरी इतनी खुराफाती है कि आपको बोर तो नहीं होने देगी। जब 3 घंटे की अवेंजर्स एंड गेम झेल ले गए, तो हमारी फिल्म से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। वैसे झेलने से याद आया, क्लाइमेक्स में आपके लिए बहुत से गूज़बम्प मोमेंट हैं, जिसे देखने के बाद आप अपना मानसिक संतुलन खो सकते हैं। वैसे भी एक आदमी बेचारा हार्ट अटैक से मर गया है, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। आप भी सावधान रहें, सतर्क रहें, और देखें हमारी फिल्म अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में 3D में। इस फिल्म के माध्यम से हम बस यही बताना चाहते हैं भैया, कि हिंसा के खिलाफ हिंसा करने से शांति नहीं आती। इसका अंजाम बहुत बुरा होता है, जिसका रिजल्ट आपको इस फिल्म में देखने को मिल जाएगा। लेकिन कभी कभी ना कोई रास्ता ही नहीं बचता है, और ना चाहते हुए भी हमें कुछ ठोस कदम उठाने ही पड़ते हैं। वैसे आपका और मेरा साथ इतना जल्दी नहीं छूटने वाला। अगर सब कुछ सही रहा, तो आने वाले 2-3 सालों में आपसे फिर से मुलाकात होगी, क्योंकि अवतार 3 और 4 बनकर भी तैयार हो चुकी है, और अवतार 5 की कहानी भी क्योंकि अवतार 3 और 4 बनकर भी तैयार है, और अवतार 5 की कहानी भी लिखी जा चुकी है। कम से कम 8-10 पार्ट बनाने की तैयारी है। अब सब कुछ जेम्स भैया के हाथ में है। अगर वो कहीं बैकुंठ धाम सिधार गए, तो भैया बहुत दिक्कत हो जाएगा, हम तो भैया बेरोजगार हो जाएंगे फिर से। बजट और कमाई के मामले में किसी के बाप के गांड में इतना दम नहीं है कि रिकॉर्ड को छू सके। मार्वल और डीसी को तो हम अपने यहाँ लेकर चलते हैं, यहाँ तभी तो अभी तक टॉप पर बैठे हुए हैं। घमंड तो है भैया। तो आखिर मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जितना हो सके बड़े से बड़े स्क्रीन पर 3D फॉर्मेट में ही एक्सपीरियंस करिएगा, तभी मजा आएगा। यह फिल्म मोबाइल, लैपटॉप, टीवी इन सब के लिए नहीं बनाई गई है, हैंग हो जाएगा आपका मोबाइल, इसीलिए इसे थिएटर में ही देखिएगा। तो अगर आपने मेरी फिल्म को देख लिया है, तो उसका एक्सपीरियंस हमसे कॉमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। अगर यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक, कॉमेंट, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जिंदगी रही तो फिर बंगला भी बनवा देंगे, बाकी यार तो बेरोजगार है ही। जय श्री राम।